जम्मू कश्मीर में आई भयंकर बाढ़ अब तक करीब 150 लोगों से ज्यादा को निगल चुकी है। जन्नत कहे जाने वाले इस खूबसूरत प्रदेश को बाढ़ ने जन्नत से जहन्नुम बना दिया है। श्रीनगर शहर में पानी घुस चुका है, पूरा शहर पानी से लबरेज है। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाके अब तक की सबसे बड़ी कुदरती तबाही से जूझ रहे हैं। लाखों लोग बाढ़ के कहर से बेहाल हैं। हजारों लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर रहने को मजबूर हैं। पूरा शहर तालाब बन चुका है। हम लोगों ने एक डिसीजन लेकर एक टीम यहां से रवाना की है, इंटर मिनिस्ट्रियल टीम हेडेड बाई दिस मिस्टर जीवीएन शर्मा, ये हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। इनकी लीडरशिप में टीम भी वहां पर हम लोगों ने भेज दी है ताकि वहां पर कोऑर्डिनेशन स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी बनाकर लोगों को जो भी आवश्यक मदद हो वो मदद पहुंचाई जा सके। और बड़ी संख्या में लगभग 20-25 हज़ार से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया है हमारे एनडीआरएफ के, सेना के और एयरफोर्स के जवानों ने। और फिर भी लगभग 150 से अधिक वहां पर मौतें हो गई हैं। कम्युनिकेशन पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है। रोड कनेक्टिविटी श्रीनगर की बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुकी है। हालत बहुत ही वहां पर बदतर है। दक्षिण कश्मीर की हालत तो और खराब है। करीब 2,500 गांव पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि करीब 500 गांव जलमग्न हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज किए गए हैं। एयरफोर्स के विमानों के जरिए मोटरबोट, कंबल और दवाइयां कश्मीर घाटी पहुंचाई गई हैं। साथ ही आपदा से निपटने के लिए अब एनडीआरएफ टीम के साथ नेवी के 200 मरीन कमांडो को भी भेजा जा रहा है। एनडीआरएफ की 5 और टीमों के साथ साथ 70 नौकाएं भेजी गई हैं। इसके साथ ही श्रीनगर, जम्मू और दिल्ली में कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। राज्य में अभी तक एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात हैं, जो लगभग 4,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचा चुकी हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित इस राज्य के लिए 1,000 करोड़ रुपए की सहायता मुहैया कराने की घोषणा की, जिससे लोगों को कुछ राहत मिल सके। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।